सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने के उद्देश्य से देहरादून नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है। पॉलिथीन के इस्तेमाल के खिलाफ आम आदमी को जागरूक करने के उद्देश्य से देहरादून नगर निगम ने मानव श्रृंखला बनाई और रिकॉर्ड कायम किया। करीब 50 किलोमीटर के इस मानव श्रृंखला में आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग, सचिवालय के कर्मचारी, सबसे अधिक संख्या में स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मियांवाला से इस मानव श्रृंखला का शुभारंभ किया और पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। देखिए, मैं बहुत बधाई दूंगा नगर निगम देहरादून को और देहरादून के तमाम जागरूक नागरिकों को। आज जो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया, देहरादून ने उसमें सबसे पहले लीड ली है। मैं कह सकता हूं कि देश का लीडर बना है देहरादून। और निश्चित रूप से जब 1 लाख से ज़्यादा लोग आज के इस सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही है उसमें भाग ले रहे हैं, इसका मतलब उत्तराखंड जाग चुका है, इसका मतलब देश जगेगा। जो लोग अभी भी नहीं जगेंगे, अब वो भी जग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं, मैं दिलेराम चौक से और यहां तक मैं लगातार इस रूट पर आया हूं और जिस तरह से उत्साह से लोग भाग रहे हैं, मैं समझता हूं ये हमारी जागरूकता का प्रतीक है। मैं इसके लिए अपने मेयर श्री सुनील गामा जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी को यह आश्वस्त करता हूं कि जो आह्वान आपने देश का किया है, देश आपके साथ खड़ा है। देहरादून वासियों ने संकल्प लिया है कि मानव श्रृंखला बनाकर एक देश को संदेश देने का काम करेंगे और इस प्लास्टिक को हमेशा के लिए देहरादून से समाप्त करेंगे। और आज देहरादून वासी जो है सब सड़कों पर उतरकर एक मानव श्रृंखला बनाकर पूरे तन्मयता से जो है इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों ने ठान लिया है कि अब देहरादून से हम प्लास्टिक को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है प्लास्टिक को उन्मूलन पूरी तरीके। देखिए, देहरादून की जनता साथ है तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई चुनौती है। जब देहरादून वासियों ने संकल्प ले लिया है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से देहरादून से प्लास्टिक हमेशा के लिए समाप्त होगी। एक बड़ा अभियान नगर निगम के द्वारा ये चलाया गया पॉलिथीन के खिलाफ श्रृंखला बनाकर और एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है इसके जरिए। एक बड़ा रिकॉर्ड नगर निगम की तरफ से आज पॉलिथीन के खिलाफ बनाया जा रहा है कि 50 किलोमीटर की जो लंबी ये मानव श्रृंखला है, इसके जरिए पूरे दून वासियों से अपील की जा रही है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी।